सलमान खान पर होने वाला था जानलेवा हमला। शूटर्स भी थे अपनी गन को संभाले हुए। जी हाँ दोस्तों, और अगर समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो ना जाने आज क्या से क्या खबर सुनने को मिलती। दरअसल ये खबर लगातार चैनल्स के द्वारा प्रसारित कराई जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शार्प शूटर्स गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बिल्कुल तरीके से तैनात थे और उन्होंने रैकी भी शुरू कर दी थी। उन्हें पता लग गया था कि सलमान खान सुबह अकेले ही साइकिलिंग के लिए जाते हैं, इसलिए शार्प शूटर पूरी तरीके से तैयार था और उसे पता था कि सलमान अकेले होंगे तो आसानी से उनका खेल खत्म किया जा सकता है। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस दिन यानी कि कल ही जब ये मामला होने वाला था, तब सलमान खान को किसी इवेंट का हिस्सा होना था और पुलिस बल तैनात था सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर, और इस तरीके से उन शूटर्स का ये जो प्लान था ये फेल हो गया और सलमान खान की जान सुरक्षित है। पहले सलमान खान को धमकी देना, कहना किसी दूसरे वाला जो सा हाल होगा, और अब उनके घर की रैकी करना, उनको शार्प शूटर्स के द्वारा शूट करवा देना, वाकई में काफी ज्यादा दहशत कर देने वाली बातें नजर आ रही हैं। इसके साथ ही इन सारे लोगों को पकड़ने के लिए इनकी धरपकड़ शुरू कर देनी चाहिए, और ना सिर्फ अब मुंबई पुलिस और पंजाब पुलिस को इस बारे में सतर्क हो जाना चाहिए, बल्कि सतर्क तो देश की सरकार और बाकी राज्यों की सरकार और पुलिस बल को भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर शरेआम खुलेआम ऐसी धमकियां दी जा रही है और साथ ही में धमकियों को सच साबित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो लोग जिनको भरपूर सुरक्षा प्राप्त है अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस की सुरक्षा की क्या गारंटी लेती है ये शासन प्रशासन। आपकी इस पर क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप बताइएगा जरूर, और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।